नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त रोहित विसाई और आप देख रहे हैं युगवाणी टाइम से। विश्व की प्रसिद्ध रामलीला लप कुश रामलीला का कल से मंचन किया जाएगा और रामलीला के मुख्य कलाकार हमारे साथ मौजूद आई, उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है मोहित जी। नमस्कार, जय श्री राम। क्या कुछ अलग रहने वाला है इस बार? इस बार बहुत कुछ अलग रहने वाला है। जैसे कि आपने मंच भी देखा है कि जो अयोध्या का राम मंदिर है उसी की तर्ज पे हमारा मंच बना है और बहुत सारे कलाकार आए हैं जो अलग अलग तरीके के किरदार निभाएंगे और परफॉर्मेंस करेंगे। क्या भूमिका है इस बार आपकी? मेरी विभीषण जी की। तो इस बार मैं दोनों तरफ हूँ, मैं इधर भी हूँ और उधर भी हूँ। इधर भी उधर मतलब पहले मैं रावण जी के साथ हूँ और फिर जब वो मेरे को देश निकाला देते हैं मैं प्रभु श्री राम की शरण में चला जाता हूँ। तो मैं इधर हूँ भी और उधर भी हूँ। लास्ट में अपने जो भाई हैं और सबको जिनको मैं समझाता रहता हूँ, भाई मान जाओ नहीं तो इनका जो अंत है वो बुरा होगा, सत्य का, अहंकार का, लेकिन नहीं मानते तो फिर उनका सर्वनाश कराता हूँ। तो विभीषण जी का ऐसी कौन सी बात है जो आप कहेंगे कि इसको अपनाना चाहिए? देखिए, वो सत्य के साथ थे हमेशा। उन्होंने चाहे उनके जितने भी सगे संबंधी थे उन्होंने सबको छोड़ दिया और उन्होंने सिर्फ सत्य का साथ दिया, प्रभु श्री राम का साथ दिया। और जो भी उनके फैमिली वाले थे उन सबको उन्होंने छोड़ दिया, सिर्फ अपने सत्य के मार्ग के लिए ही आगे चलने के लिए उन्होंने सबको छोड़ दिया। कोई उनका डायलॉग सुनाना चाहें आप? ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः। हे प्रभु, यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो मुझे अपने श्री चरणों की भक्ति प्रदान करें, यही मेरी आपसे प्रार्थना है प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थे मोहित जी जो विभीषण की भूमिका निभा रहे हैं लवकुश रामलीला में।